हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं अब रेलवे दूर नहीं, और हम क्लास तीसरी में हैं। मैथ्स की क्लास है, टॉपिक क्या है? फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, भिन्न और दशमलव आज पढ़ेंगे गाइस, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएँ क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होगी, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखेंगे, आसान कुछ चीज़ों को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। जिन चीज़ों में आपको दिक्कत आती थी वो अब दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। बहुत अच्छे से समझ के चलेंगे। तो याद है ना कि अब रेलवे दूर नहीं है। जी हाँ, तो सब एक साथ बोलें कि बिल्कुल गुड इवनिंग सबको, सबको गुड इवनिंग गाइज, है ना? बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इन टॉपिक को क्लियर करेंगे। सिलेबस का एक एक टॉपिक लेके चलने वाले हैं, तो सब कोई भी टेंशन ना लें, लेकिन डेली आप 5 बजे यहाँ पे मौजूद रहें जिससे कि मुझसे आप जुड़ पाएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिएगा, अपने पेजेस को रिफ्रेश कर लें अगर कोई को किसी को पेज नहीं दिख रहा है तो, ठीक है? जी हाँ, तो जैसा कि आपको पता है हमने होमवर्क दिया था कल। होमवर्क में हमने क्या दिया था? स्क्वायर निकालने की बात की थी। क्या निकालने की बात की थी? वर्ग की। तो कुछ बहुत सारे बच्चों के मेरे पास आंसर्स आए, तो होमवर्क के क्वेश्चन लेते हैं। 96 का स्क्वायर था, क्या था? 96 का स्क्वायर कैसे करोगे? 9 × 6 × 2 करना है, तो 9 × 6 = 54, 54 × 2 = 108, ठीक है? तो 108, तो 9 का कितना हो जाएगा? 81, और 6 का हो जाएगा 36, और 108 को यहां पे लिखना है एक छोड़ के, तो कितना हो जाएगा? 129216, कितना आ जाएगा गाइस? इसका आ जाएगा 9216। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब ने इसका आंसर दिया है, मुझे पता है। राकेश यादव का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आप सबका स्वागत है। तो जल्दी से होमवर्क वाले क्वेश्चंस का आंसर चेक करें, जिसका नहीं आया वो चेक करें कि क्या गलती की, और जिसका आ गया उसको बहुत भर बहुत से बिल्कुल सबके आंसर आ रहे हैं। 9216 चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या था होमवर्क का? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, 87 का स्क्वायर था अगला क्वेश्चन। आज मैं 3 डिजिट का भी करवाऊंगा, 3 अंक का स्क्वायर कैसे करना है ये भी मैं बतलाऊंगा, लेकिन अभी क्लास के लास्ट में। पहले हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन और डेसिमल। तो होमवर्क के क्वेश्चन इसका देखते हैं। 8 × 7 × 2, 8 × 7 = 56, 2 कहां से आया? ये वाला 2 × कर दिया, 112। 8 का कितना होता है? 64 होता है स्क्वायर, इसका 49 होता है। 112 को कैसे लिखना है? 1 1 2 करके लिखना है, 9 6 5 7, तो 7 5 6 9। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। हाँ, मैं सब चीज़ें बताऊंगा, 105 का भी बताऊंगा, 110 का भी बताऊंगा, 118 का भी बताऊंगा, 138 का भी बताऊंगा, लेकिन सब्र करना पड़ेगा और क्लास को पूरी देखना। तो ट्रिक हम पढ़ेंगे लेकिन क्लास के लास्ट में, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और लाइक करते रहें वीडियो को कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा डाउट आ रहा था स्टूडेंट का कि सर 63 का स्क्वायर हमसे नहीं बन रहा था। तो कुछ भी नहीं करना है, हमेशा जब भी स्क्वायर निकालो तो कैसे करते हैं? 6 लिया, 3 लिया, इंटू 3 किया, मल्टीप्लाई बाई 3 किया, गुणा 2 किया, बराबर। तो 6 × 6 = 18 × 36, 36 आया। 6 का स्क्वायर 36। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9 होता है, लेकिन 9 को 09 लेना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर हमेशा 2 अंक में चलेंगे, ठीक है? तो हमेशा इसको 09 लेके चलिए आप। 3 का स्क्वायर 09 ही होता है, क्योंकि आप जानते हैं कोई संख्या है, मान के चलिए 5 है, 5 के आगे चाहे लाख 0 लगा दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये संख्या 5 ही रहेगी, लेकिन पीछे 0 लगाओगे तो दिक्कत है ना, पीछे 0 नहीं चलेगा, आगे तो लगा ही सकते हैं, ठीक है? जी हाँ, चलिएगा, आगे 0 कितनी भी लगाओ किसी संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या करना है? 36 को यहाँ पे जोड़ दीजिए, तो 9 6 9 3, 3 9 6 9। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं ना, देखिए मजा आ रहा है ना गाइस। तो ये मेरे को सब लिख के भेजने से कि यस सर मजा आ रहा है सीखने में, हम फ्रैक्शन ऐसे पढ़ेंगे बहुत चुटकियों में आंसर ला पाओगे आप, मेरी गारंटी, मजा आ जाएगा क्लास में, ठीक है? चलिएगा, एक और क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन क्या था? 77 मतलब 77 का स्क्वायर करना था। तो कैसे करोगे? 7 ले लो, फिर ये 7 है तो 7 का 7 से गुणा कर दिया, फिर ये 2 का गुणा कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। 7 × 7 = 49, 7 का कितना है? 49, 7 का कितना है? 49, और 98 को यहां पे रख दो बस, 98 को एक छोड़ के रखना है, तो 9
बारह एक नौ नौ अठारह और एक उन्नीस एक, तो पांच नौ दो नौ आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सब कह रहे हैं बहुत मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है गाइस, तो सब लाइक करते चलें साथ साथ। अब आप तैयार हो जाएं फ्रैक्शन पढ़ने के लिए, भिन्न पढ़ने के लिए। तो अब हमारा होमवर्क खत्म हुआ और ट्रिक, तीन डिजिट का ट्रिक भी मैं बताने वाला हूं, तो कोई भी स्टूडेंट क्लास को छोड़ के नहीं जाएगा, इस क्लास को कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। तीन अंकों का स्क्वायर भी हम आज सीखेंगे, ठीक है जी हाँ, ठीक है ना। चलिए कमेंट कैसे पढ़ लेते हो इतने सारे एक साथ, मैं ध्यान देता हूं सारे बच्चों पे, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हो, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं भिन्न को, ठीक है चलिएगा गाइज। तो ये भिन्न क्या होता है और दशमलव क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी को लिखते हैं तीन बटे दस, तीन बटे दस ये क्या है, तीन बटे दस लिख दिया मैंने, ये है भिन्न हमारी। भिन्न कैसे पता लगेगा, अगर किसी फ्रैक्शन का भिन्न का ये होता है अंश, ये क्या होता है अंश होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूमिनेटर, न्यूमिरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं न्यूमिरेटर बोलते हैं, और ये होता है हमारा हर। हर को क्या बोलते हैं, कॉपी में नोट करते जाना गाइस, लगातार नोट करते जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, और हिंदी में बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है जी हाँ, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। अंश मतलब होता है न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर और हर मतलब होता है डिनोमिनेटर। अब दशमलव क्या है, दशमलव क्या है, अगर मैं इसको पॉइंट तीन लिख दूं, जीरो पॉइंट तीन लिख दूं, भाई बात तो वही है, तीन बटे दस लिख लो या फिर जीरो पॉइंट तीन लिख लो, बात वही है ना, लेकिन ये कन्वर्ट किस में हो गया, ये बदल गया दशमलव में, डेसिमल में बदल गया। तो भिन्न और डेसिमल में यही अंतर है बस, कि वो आएगा दशमलव में और ये आएगा भिन्न के रूप में, मतलब अंश होगा और हर होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहचान क्या है भिन्न की, कि उसका न्यूमिनेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, मतलब उसका अंश भी होगा और उसका हर भी होगा। चलिए सबसे पहली बात, आपका दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर हम कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब चीजें समझते हैं, ठीक है चलेगा। तो भिन्न है ना, भिन्न, भिन्न बहुत प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है, बहुत सारे प्रकार की होती है भिन्न, मिश्रित भिन्न होता है, जटिल भिन्न होता है, तो हम इन चीजों को समझ के चलेंगे, ठीक है चलिए। तो देखिए भिन्न कितने प्रकार की होती है, सिंपल भिन्न मतलब साधारण फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, ठीक है साधारण भिन्न होती है, और दूसरी क्या होती है, दशमलव भिन्न, दशमलव, दूसरी क्या होती है दशमलव भिन्न, है ना, ये दशमलव भिन्न हो गई, और तीसरी मतलब दशमलव मतलब डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन। तो लिखते जाएं कॉपी में साथ के साथ, ये होती है साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न भी कहते हैं, दूसरा प्रकार है इसका, ये टाइप है भिन्न के, कितने प्रकार की भिन्न होती है, और तीसरी होती है सतत भिन्न। कौन सी होती है, सतत भिन्न, सतत भिन्न मतलब कोई चीज सतत रूप से चल रही है, लगातार चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड भिन्न, ठीक है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है गाइस, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है हाँ। तो जल्दी से जल्दी इसको सबको नोट कर लें, अब मैं चीजों को समझाने वाला हूं कि भिन्न को करेंगे क्या, ठीक है। तो साधारण भिन्न को भी तीन टाइप में डिवाइड किया गया है, साधारण भिन्न को तीन प्रकार से बताया गया है, इनको हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, पहले साधारण भिन्न पढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो साधारण भिन्न को तीन प्रकार से विभाजित किया गया है, उचित भिन्न, उचित भिन्न, ठीक है साधारण भिन्न का मतलब है उचित भिन्न, साधारण भिन्न का प्रकार है उचित भिन्न, मतलब होता है प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, जल्दी से जल्दी नोट करते चलें। इसके बाद कौन सी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न, अनुचित, भाई कोई चीज उचित होगी उसका दूसरा टाइप क्या है, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न को क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर चीज समझा के चलूंगा, मेरे पे भरोसा है ना, तो बस याद रखना हर चीज को समझ में आएगी आपके, ठीक है जी हाँ। हर चीज को हिंदी इंग्लिश में लिखा जा रहा है ना, हाँ हर चीज को हिंदी इंग्लिश में लिखा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। टोटल टाइप नहीं, हम क्लासेस चलाते रहेंगे ना जतिन, रोज क्लास चलती है, 5 बजे आप आ जाओ शाम को, रोज 5 बजे क्लास चलेगी,
तो 5 बजे हम ऐसे ही लेके चलेंगे कि आज हमारा ये पहला पार्ट हो जाएगा, कल भी हम जहां पे खत्म करेंगे वहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और लाइक करते रहना दोस्तों, मजा आएगा क्लास में, ठीक है। अनुचित भिन्न हो गया। इसके बाद क्या होती है, मिक्स्ड भिन्न, मतलब मिश्रित भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मतलब होता है मिश्रित भिन्न को बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब इन चीजों के नामों को लिख लिया ना, अब हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा का पूरी की पूरी चीजें समझते हैं, ये टाइप है, इसके प्रकार हैं भिन्न के। अब चीजें समझने का वक्त आ गया है। ये तो छोटी मोटी थ्योरी थी, इनको बताना जरूरी था क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भिन्न होती हैं, क्या क्या इनका मतलब है और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से आपसे मेरा प्रश्न है कि ये बताइए, अगर मैं 5/12 लिखता हूं तो इसमें अंश कौन सा है, हर कौन सा है, सब एक साथ बता दें मुझे। अंश मतलब इसमें न्यूमरेटर कौन सा है, न्यूमरेटर मतलब अंश क्या है और हर क्या है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, जल्दी बताइए। तो आप ऐसे लिखिए, अंश को लिखिए n, n क्या है और d क्या है, ऐसे लिख के बता दीजिए मेरे को। डिनोमिनेटर जल्दी बताइए, 5 अंश है, वेरी गुड, 5 अंश है, तो ये हो गया हमारा न्यूमिनेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर, मतलब ये हो गया हमारा अंश और ये हो गया हमारा हर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, सबके आंसर लगातार आ रहे हैं, ठीक है। अंश ऊपर वाला है और नीचे है डिनोमिनेटर, हर हो गया। यहां तक क्लियर है सबके, सबको समझ में आ गया, मैं पहले ही बता दिया ये ना। अब हम चीजें समझते हैं कि भाई भिन्न की जरूरत कब पड़ी, भिन्न की जरूरत कब पड़ी। अब बाकायदा ये लिखा हुआ है 5/12, तो आपके पास कोई चीज थी, ठीक है। आपको क्या है, आपने 5 चीज काम में ली, काम में लिया गया भाग, मतलब जो पार्ट यूज किया गया है ना, काम में लिया गया पार्ट, पार्ट मतलब ये एक तरीके का भाग है, किसी चीज का एक तरीके का भाग है। कोई चीज आपके पास कितनी थी, 12 थी, कोई चीज कितनी थी, 12 थी, उसका 5/12 भाग कितना हो जाएगा, 5। तो मतलब 12 चीज में से 5वां भाग आपने काम में ले लिया, तो ही तो 5/12 लिखा इसको, ठीक है। चलिए, तो अभी भी इस तरीके से समझ में नहीं आया होगा आपको, चलिए एक चीज और देखते हैं, एक चीज देखते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना कि आपके चार दोस्त हैं, ए बी सी एंड डी, चार दोस्त हैं ये, ठीक है, दोस्त हैं आपस में ना, इनको फ्रेंड लिख देता हूं। ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि भिन्न क्या है और आप समझ भी पाएंगे, अगर ध्यान रखोगे तो सब चीज समझ में आएगी। ये चार दोस्त थे, ठीक है, इनके चारों के पास मिला के कितने थे, 5 एप्पल थे, मतलब सेब थे। कितने सेब थे, 5 सेब थे, ठीक है भाई, 5 सेब थे और 4 दोस्त हैं, ठीक है गाइज। हाँ, तो देखिए 5 सेब हैं इनके पास और 4 दोस्त हैं आपस में, ठीक है। अब इन्होंने कहा, इनमें से किसी ने भी कहा कि भाई मुझे भूख लग रही है, सेब खाने हैं, यही बोला कि भूख लग रही है, सेब खाने हैं। तो इन्होंने, इनमें से किसी ने बोला कि भाई बटा लो, 5 सेब हैं, ठीक है, क्या कहा, बटा लो, 5 सेब हैं, है ना, यही बोला कि बटा लो भाई, 5 सेब हैं। तो क्या किया इन्होंने, एक सेब इसने ले लिया। अब कितने सेब चले गए, 4 सेब चले गए। अब यहां कितना सेब बचा, 1 सेब बचा बस, कितना सेब बचा, 1 सेब बचा। अब इन्होंने बोला सबने कि भाई 1 सेब बचा है, अब इसको कैसे बांटें। तो किसी ने कहा कि इसके 4 भाग कर दो, तो 1 सेब के 4 भाग कर दो, तो मतलब 4 का भाग दे दो, ठीक है, चीज समझ में आ गई। तो अब 1 सेब के 4 भाग हो गए, 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, ठीक है। तो 4 भागों में उस 1 सेब को बदल दिया इन्होंने। अब क्या किया भाई साहब, 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1 ने ले लिया। तो अब इनके पास कितने सेब हो गए, इनके पास कितने सेब हो गए, 1/4 सेब और जुड़ गया, 1/4 सेब और जुड़ गया, 1/4 सेब और जुड़ गया और 1/4 सेब और जुड़ गया। चीज समझ में आ गई कि इन्होंने क्या किया, 1 सेब को 4 भागों में बांटा। तो क्या करा इन्होंने, हर किसी ने 1 भाग इसका काम में लिया, लेकिन कितने भाग थे,
चार भाग थे ना सेब के, तो एक बटे चार भाग इन्होंने बांटा और अपने पास रख लिया। ठीक है गाइस, चीजें समझ में आई सबको? हाँ ठीक है ना, जी हाँ। तो एक एक बटे चार हो गया। अब बात क्या है, अब बात यह है कि हर किसी के पास कितने सेब हो गए, पांच बटे चार सेब हो गए। कितने सेब हो गए, पांच बटे चार। अब कैसे निकाला, ये कैसे निकाला, देखिए चार एक सही एक बटे चार है, तो चार एकम चार प्लस एक पांच बटे चार, इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, चार का एक से गुणा करो प्लस एक करो, पांच हो गया, पांच बटे चार, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, चलिए ओके, है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए मजा आएगा क्लास में, है ना, चीजें समझ में आ गई, सब बोले सर यस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आपको भिन्न पता लग गई ना कि भाई भिन्न होती क्या है, भाग होता है किसी चीज का, किसी चीज का फ्रैक्शन होता है। ठीक है, चलिए ये मेरा समझाने का उद्देश्य था। अब बात करते हैं कि सर हाँ पांच बटे चार एप्पल हर किसी के पास आएगी। अब हम मैं बात करता हूं उचित भिन्न की, किसकी बात करता हूं, उचित भिन्न और मतलब प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन, किसकी बात करता हूं, उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न मतलब होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, ये देखिए उचित भिन्न हमेशा, अगर मैं एक बटे चार लिखता हूं, इसके मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, एक बटे चार लिखा मैंने, दो बटे पांच लिखा, तीन बटे सात लिखा और आठ बटे नौ लिखा, ठीक है। और अनुचित भिन्न मैंने क्या लिखा, अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल देखना, मैंने लिखा पांच बटे चार, आठ बटे छ, चार बटे तीन और छ बटे पांच। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में, हाँ चलिए टाइम पे आने को बोला था ना मैंने, टाइम पे आया करिए, पांच बजे आप आ जाया करिए यहां पे, तब चीजें सारी क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। बीच में आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना, पहले बता देता हूं। चलिएगा, तो मैं आपको कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर लें जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से कर लें गाइस। चलिएगा, अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, पहले देखिए, तो देखिए उचित भिन्न और अनुचित भिन्न में अंतर क्या है ना। हाँ तो थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, देखिए एक बटे चार, इसमें अंश क्या है, अंश है एक, अंश क्या है जल्दी बताइए, न्यूमिनेटर क्या है, एक है, और डिनोमिनेटर क्या है, चार है। अगर अंश हर से कम है, अगर अंश हर से कम है तो वो उचित भिन्न होगी। अगर अंश हर से कम है मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कम है तो वो उचित भिन्न होगी। अगर अनुचित भिन्न क्या होगी, उसका अंश ज्यादा हो जाएगा हर से, अंश हर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, चीज समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चीजें समझ में आ गई कि अगर किसी का हर ज्यादा है अंश से तो वो उचित भिन्न है, और अनुचित भिन्न क्या होगी, अगर अंश ज्यादा है हर से। ठीक है जी हाँ। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान से बताना मुझे अनुचित भिन्न कौन सी है और उचित भिन्न कौन सी है, जल्दी से बताना। कुछ प्रश्न दे रहा हूं, जल्दी से बताना गाइज, एग्जाम्पल लीजिए, जल्दी से करिए ना, इनको सबको जल्दी से करना। ठीक है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिखा, तीन बटे सात क्या है, एक नंबर दे दिया मैंने इसको, तो आपको ऐसे बताने सर एक नंबर क्या है, तीन बटे सात, पांच बटे चार, ठीक है, और दूसरा है ये, ठीक है, और तीसरा है इसमें मैंने दे दिया आपको सात बटे नौ, और चौथा दे दिया मैंने नौ बटे पंद्रह, और पांचवा दे दिया मैंने पंद्रह बटे सात। जल्दी से बताइए, इसमें पहले ये बताइए मेरे को कि कौन कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन से हैं, जल्दी बताइए उचित भिन्न कौन कौन सी हैं, नंबर देके बताइए जल्दी से। देखिए हाँ, पहला प्रॉपर है, वेरी गुड। कौन कौन से हैं, देखिए पहला है क्योंकि इसमें अंश छोटा है हर से, इसमें देखा मैंने अंश बड़ा हो गया हर से, तो ये कहां चला गया, इम्प्रॉपर की कैटेगरी में चला गया, मतलब अनुचित भिन्न की कैटेगरी में चला गया, है ना, अनुचित भिन्न की कैटेगरी में चला गया सेकेंड। ठीक है गाइस, जी हाँ, फर्स्ट क्या है हमारा, उचित है, फर्स्ट हमारा उचित भिन्न है, बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हमारा उचित है, तो पहला उचित है, तीसरा उचित भिन्न है
और चौथा भी हमारा उचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न कौन कौन से हैं? दूसरा और पांचवा। तो पहला, तीसरा, चौथा हमारा उचित भिन्न है और दूसरा और पांचवा हमारा अनुचित भिन्न है। बहुत वेरी गुड जगदीश जी, बिल्कुल देखें सबके आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए गाइज, लाइक करते जाना और मजा आ जाएगा क्लास में, बहुत मजा आएगा। 1 मिलियन कॉन्टेस्ट के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को हमारे चैनल पे अगर आपने 1 मिलियन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया है गाइज, तो फटाफट से कर लें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्टिसिपेशन होने वाला है। जब तक हमारे 9 लाख सब्सक्राइबर नहीं हो जाते तब तक आप हमारी डेट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 1 मिलियन की डेट क्या होगी, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी पार्टिसिपेट कर लें नीचे दी हुई लिंक के आधार पर। अब मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूं, इससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूं जो आपको अपने लक्ष्य तक जोड़ेगा, है ना? तो एक मोटिवेशनल क्वोट पे चलते हैं, चलिएगा। तो मोटिवेशनल क्वोट देखिए, तो आपके सामने ये मोटिवेशनल क्वोट है कि मोटिवेशनल क्वोट आपके सामने है कि यूं ही नहीं मिलता राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसिया, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो सीधी सी बात है, सारी चीजों एक साथ नहीं मिलती, एक एक चीजों को पिरो के करना पड़ता है हर काम। धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे, तब जाके रेलवे की नौकरी मिलेगी। मेहनत करनी पड़ती है किसी भी काम के लिए, ठीक है जी? हाँ ठीक है, हाँ सब लोग जुड़ गए बहुत अच्छी तरीके से, हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है गाइज। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। अब मैंने आपको यह बताना चाहूंगा कि एक भिन्न और था हमारा मिश्रित भिन्न। एक भिन्न क्या था? मिश्रित भिन्न, उसको क्या कहते हैं सर? मिश्रित भिन्न क्या होता है, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, ये चीजें समझ लो, फिर मैं ट्रिक बताने वाला हूं। ट्रिक का वेट करना है ना, हाँ ट्रिक का वेट करना, ठीक है? मिश्रित भिन्न क्या होता है? मैंने 5/4 लिखा, 5/4 ये क्या है? मिश्रित भिन्न हमेशा क्या होगा? अनुचित होगा। अनुचित मतलब इम्प्रॉपर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा हमेशा, अनुचित भिन्न होगा। मिश्रित भिन्न हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसे होगा? क्योंकि इसका हर है छोटा है अंश से, मतलब अंश बड़ा है ना, अंश बड़ा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 का भाग दिया मैंने 5 में, तो कितनी बार गया? 4 × 4, तो 4 मैंने यहां पे लिखा, ये मेरे पास आया, तो ये क्या है? ये क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 / 4/1 लिख सकता हूं ना। आपको बताया था ना कि वो सेव कैसे गए थे, कि एक सेव एक एक दोस्त को मिला और एक 1/4 हिस्सा मिला। ऐसे ही तो बताया था मैंने आपको कि भाई इसको 5/4 लिखना है, तो इसको 1 / 1/4 लिखेंगे ना, हाँ 1/1/4 लिखेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है? एक तो आपका पूर्ण आ रहा है, एक आपका है पूर्ण मतलब पूरा, ठीक है? और 1/4 आपका क्या है? भिन्न है। 1/4 आपका क्या है? फ्रैक्शन है। 1/4 फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है। तो ये दोनों मिल जाते हैं तो मिश्रित भिन्न बन जाती है। क्या बन जाती है? मिश्रित भिन्न कैसे बनती है? जब इस तरीके का कोई फॉर्मेट आपके सामने हो, ठीक है? हाँ चलिए लिख लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब ट्रिक सीखते हैं भिन्नों का जोड़, कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाए। अब दो भिन्न आपके सामने दे रखी है, देखिएगा, मैं आप सिखा रहा हूं भिन्नों का जोड़, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ करना, ट्रिक से सीखेंगे, इसकी ट्रिक देखना, बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? भिन्नों का जोड़ मतलब एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों का जोड़ करना है। अब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कि भिन्नों का जोड़ करना था मेरे को, ठीक है? हाँ गाइस लाइक करते जाना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जिनको समझ में नहीं आया बीच में जुड़े हैं, अब यहां से समझना स्टार्ट करें, मेन चीज स्टार्ट हो रही है, इसको मिस ना करें, कोई भी इसमें गलती ना करें समझने में। देखिए मैं आपको जोड़ना सिखा रहा हूं, 3/4 + 1/2, इसको जोड़ना है। सर हमें नहीं आता जोड़ना, कैसे जोड़ेंगे? तो मैंने आपको क्या करना है, 3 × 2 3 × 2 = 6 हो गया, 4 × 1 = 2, तो क्या करना है आपको, 6 हो गया 3 × 2 = 6, 4 × 4 तो 4, अब नीचे क्या आएगा, 4 × 2 = 8, मतलब इसका इससे गुणा कर दो, तो यहां आ जाएगा आपका 10/8, कितनी आ जाएगी,
10/8, ठीक है। तो आपको ट्रिक समझ में आई, क्या करना है, 3 × 6 करना है तो 6 लिख दिया, 4 × 4 करना है तो ऊपर आ जाएगा 6+4, और नीचे 4 × 8 करना है तो 10/8 सीधा हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो गाइज लाइक करते रहे, लगातार लाइक बहुत कम है, इतने सारे स्टूडेंट देख रहे हैं, करीबन 2700-2800 के करीब, और लाइक बहुत कम है, तो लगातार लाइक करते रहे। सब चीजें समझ में आ गई सबको? हाँ, तो 5/4, अब इसका सरल अनुपात नहीं निकालना, सरल अनुपात निकालेंगे इसको 2 से काट देंगे तो 5/4 आ जाएगा, ये इसका सरल अनुपात है ना। वेरी गुड, चीज समझ में आई? हाँ, लेवल इंक्रीज करेंगे। चेतन जैन जी, एक बच्चा नहीं पढ़ रहा, यहाँ 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बहुत कम लेवल से आता है, ठीक है, तो सबको लेके चलना है भाई, आप कोऑपरेट करें, है ना। चलिए हाँ, तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, इसी के क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, चलिएगा। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया 3/4 + 5/8, जल्दी से करिए, ट्रिक लगाइए, कैसे करना है। 8 × 24, तो मैंने लिखा 24, 4 × 20 + 20 = 8 × 32, बस आ गया आंसर। तो कितना आ गया, 4 × 44 = 32, 22/16 और 11/8, तो ये आपका उत्तर आ जाएंगे, कोई से भी उत्तर दे सकते हैं आप। जल्दी से करिए, ट्रिक से करिए, इसका इससे गुणा करिए, इसका इसके गुणा करिए, जोड़ दीजिए दोनों को, तो मैं जोड़ सिखा रहा हूं ना अभी, तो जोड़ दीजिए, 8 × 32 हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए राइट हो गया, सबका समझ में आ रहा है, ट्रिक समझ में आ रही है सबको, तो सब एक साथ यस लिख के भेजे, मजा आ रहा है तो सब। जी हां, ठीक है, जी हां। अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, सारे क्वेश्चन करेंगे और एक बार प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, और लास्ट में ट्रिक भी तो पढ़नी है 3 डिजिट के स्क्वायर की, तो वो भी चीजें चलती रहेंगी, और क्यूब भी याद करवाऊंगा, तो सारा फुल प्रूफ चलेगा आपका, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, 4/5 + 3/7, जल्दी से बताइए इसका क्या उत्तर होगा, जल्दी से बताइए, और इसको हमें मिश्रित भिन्न में लिखना है, किसमें लिखना है, मिश्रित भिन्न में लिखना है, मिश्रित भिन्न मतलब समझते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है इसको, ठीक है भाई। साधारण भिन्न में तो अभी तक लिखते ही आए हो, और मुझे यह बताना है कि जो इसका उत्तर आएगा वो प्रॉपर भिन्न है, मतलब उचित भिन्न है, या फिर अनुचित भिन्न है, तो दो चीजें आपको बतानी है, ठीक है। चलिए यह सबका बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है गाइस, पढ़ाने में मजा आ रहा है आपको, तो जो भी स्टूडेंट लाइक करते रहे कंटिन्यू, मजा आएगा देखिएगा, है ना। जी हाँ, तो देखिए कैसे करना है, 7 × 28, 5 × 15, तो 28 + 15, नीचे क्या आएगा, 5 × 7 = 35, 35, तो ये कितना हो जाएगा, 43 हो गया बटे 35। अब मुझे समझ में आ चुका है कि कैसे करना है, 43/35 ये क्या है, एक तो ये अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न क्यों है, अनुचित भिन्न है मतलब इम्प्रॉपर है, क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि इसका अंश बड़ा है हर से, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यस मजा आ रहा है गाइस, है ना। और इसको कैसे लिख सकते हैं, एक सही कैसे लिखोगे इसको, उसमें बदलना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, 35 का भाग मैंने 43 में दिया, कितनी बार गया, एक बार गया, तो 35 माइनस हो जाएगा यहां से, तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो क्या लिखोगे, एक सही 35 ऊपर 8 सही 35, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एक जो हमारा ये भागफल है, ये भागफल है, ये शेषफल ऊपर आता है, और नीचे जिससे भाग दिया है वो आता है, ठीक है, तो एक सही 8/35 आ जाएगा, बहुत बढ़िया, इम्प्रॉपर सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। चलिए तो गाइज, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको मिल जाए। आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपको सब्सक्राइब करना है, दिख रहा है वो घंटी दिख गई आपको, तो उसको दबा दें आप, ठीक है। चलिएगा, चलते हैं अब अपने अगले एग्जाम्पल की तरफ और अगली ट्रिक की तरफ, चलिएगा अगला एग्जाम्पल और अगली ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। अब ये दे दिया मैंने आपके सामने, 3/4 + 5/8 + 9/24, चलिए इसको करिए, इस एग्जाम्पल को करिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ टेंशन मत लो यार, जिंदगी में टेंशन लोगे तो क्या, कब पढ़ोगे, मैथ है एंजॉय के पढ़ने की। अब हम ट्रिक पे आ जाएंगे थोड़ी देर बाद, स्क्वायर करेंगे ऐसी, ठीक है। जी हाँ, तो देखिए, तो आपको बस लाइक करते रहना है और सब्सक्राइब करते रहना है चैनल को, बस एक बार ही सब्सक्राइब करना, दोबारा मत करना, वो अनसब्सक्राइब हो जाएगा।
जी हाँ, तो अब इसको करना है। कैसे करेंगे? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। करना कैसे है? कुछ नहीं करना, पहले इन दोनों का जोड़ा बनाइए, इन दोनों का जोड़ा सॉल्व करिए। तो 8 3 24, 5 चौके 20, तो 24 प्लस 20 कितना आ रहा है? नीचे क्या आएगा? 8 चौके 32, ठीक है, प्लस 9 बटे 24 आ गया। ठीक है गाइज, तो ये आ गया आपके सामने। तो मैंने इनको जोड़ा तो 44 बटे मेरे पास कितना आया? 32 आया। और ये क्या है? प्लस करना है, यहां पे 44 बटे 32 है ना, तो 44 बटे 32 प्लस 9 बटे 24 है। अब आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैं इसको तो रैशनलाइज कर सकता हूं ना। जी हाँ, सबके उत्तर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, इसका मैंने 4 से इसको काट दिया, तो 11 चौक 44, 11 और 4 8 32, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे नीचे 24 बनाना है, तो 11 बटे 8 प्लस 9 बटे 24 है मेरे पास। अब यहां पे यही तो करना है। अब मुझे नीचे 24 बनाना है, तो मैं 3 का यहां पे गुणा कर दूंगा और 3 का यहां पे कर दूंगा, तो 33 बटे 24 हो गया और प्लस 9 बटे 24 हो जाएगा, और 33 और 9 कितने हो जाएंगे? 42 बटे 24। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 21 बटे 12। और इसको और काटोगे तो 3 7 21, 3 चौके 12, 7 बटे 4 आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबके आंसर आ रहे हैं। अब बच्चों का डाउट है कि सर 42 कैसे ला दिया, बस यही समझाना है। अब इस पे चलते हैं कि सर क्या कर रहे हो आप, है ना। मैं बताता हूं क्या कर रहा हूं, देखिए। अब मैं इस चीज को समझाने जा रहा हूं, ध्यान दें सब बच्चे, जिनको समझ में आ गया वो ठीक है, नहीं आया मैं उनको बताने जा रहा हूं। एक और भिन्न होती है, एक भिन्न क्या होती है? तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं उसको? तुल्य भिन्न कहते हैं। एक भिन्न का नाम क्या है? तुल्य भिन्न। अब मैं आपसे कहूंगा तुल्य भिन्न क्या होता है, सर आपने तो बताया ही नहीं। देखिए, इसको कहते हैं इंग्लिश में इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि 1/2 है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि 1/2 का तुल्य भिन्न बनाइए जिसका अंश 2 हो। 1/2 का तुल्य भिन्न बनाइए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए जिसका अंश 2 हो। तो मैं क्या करूंगा? 2 का गुणा कर दूंगा, ऊपर 2 का गुणा कर दूंगा नीचे, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। तो 2/4 हो गया। अब मैंने जो कहा था वो आपने माना ना? देखिए, ऑडियो नहीं आ रही है, सब ठीक है, सब ठीक है गाइज। तो 2/4 हो गया। क्या किया मैंने? मैंने आपसे बोला कि मुझे 2 अंश वाला एक भिन्न बना के दीजिए, ठीक है। हाँ, 2 अंश वाला एक भिन्न बना के दीजिए। तो मैंने 2 का ऊपर भी गुणा कर दिया, 2 का नीचे भी गुणा कर दिया, तो 2/4 बन गया, ठीक है। हाँ, तो अब मैं आपसे ये कहूंगा, अब मैं आपसे दोबारा कह रहा हूं कि मेरे पास 3/4 है, कोई भिन्न 3/4 ऐसे ही है। मैंने आपसे क्या कहा? मुझे 12 अंश का, मतलब मेरा जो न्यूमिनेटर है वो 12 होना चाहिए, भिन्न बना के दीजिए। तो आप क्या करोगे? 4 का ऊपर गुणा कर दोगे, 4 का नीचे गुणा कर दोगे, तो 12/16 आ जाएगा। आ गया चीज समझ में? आ गया है ना, चीज समझ में आ गई। अब उसी क्वेश्चन को लेते हैं। अब मैंने क्या किया? तुल्य भिन्न बना दिया। तुल्य भिन्न क्यों बनाया? क्योंकि मुझे 16 और 12 बनाना था, ठीक है। जी हाँ, आर्मी का क्लासेस चालू करेंगे, और भी कोई क्लासेस हो बताना गाइस, है ना। चलिए अब चलते हैं, ये सब चीजें सेम है, सभी क्लासेस में चलता है। तो अब मैं आपके सामने वही क्वेश्चन दोबारा रख रहा हूं। देखिए, प्रश्न क्या था? 3/4 था प्लस 5/8 था और 9/24 था। अब पहले तो आपने उस तरीके से किया, अब आप कैसे करेंगे? ट्रिक ध्यान दें गाइज, सब लोग ध्यान दें इस पे, क्वेश्चन पे तरीका समझें। मुझे पता है कि 24 सबसे बड़ा है, तो इनको क्यों ना मैं 24 में कन्वर्ट कर लूं, 24 में बदल लेता हूं ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे मुझे 6 का गुणा करना पड़ेगा। जब मैंने नीचे 6 का गुणा किया है तो ऊपर भी 6 का गुणा कर देता हूं। यहां पे मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा 24 बनाने के लिए, और यहां पे भी मैं 3 का गुणा कर देता हूं, तो ऊपर क्या हो गया? 18 प्लस 5 या 15 प्लस 9 बटे, नीचे तो 24 है ना, तो नीचे सब में 24 आ जाएगा। तो अब आपको करना क्या है? क्वेश्चन हो गया आपका, तो ये हो गया आपका 18 5 23 और 10 33, 33 और 9 42 बटे 24 आ गया ना उत्तर, 21/12 और 7/4। चीज समझ में आ गई सबको? हाँ, चीज समझ में आ गई सबको कि मैंने क्या किया यहां पे? मैंने तुल्य भिन्न में इसको बदल दिया, ठीक है। हाँ, सबको आ गया 12/16 और 7/, बिल्कुल इजी मेथड, वेरी गुड वेरी गुड। सबको आया समझ में?
ट्रिक नहीं है, बहुत आसान है ये, ट्रिक है ही नहीं, बिल्कुल भी ट्रिक है ही नहीं ये, आपको तो बहुत आसान तरीके से करना है, ठीक है जी हाँ। तो आपको तो बहुत आसान तरीके से करना है, सबको समझ में आया मैंने क्या किया? बहुत बढ़िया, सबके यस यस आ रहे हैं, करेक्ट। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुल्य भिन्न बनाने की कोशिश की। तुल्य भिन्न मतलब 24 नीचे बड़ा है ना, तो इसको भी 24 में कन्वर्ट कर दो, इसको भी 24 में कर दो, और सबके प्लस कर दिया बस, ठीक है। हाँ सबके आ गए, यस यस जी सर आ गया, यही तो मैं करना चाह रहा था, यही तो बताना चाह रहा था। फिर बच्चे कह रहे थे कि सब बेसिक से बताइए, तो चीजें बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर पाओगे आप, है ना। चीजें समझ में आ गई? बिल्कुल सबके समझ में आ गई। चलिए अब ये थे हमारे भिन्न का जोड़ करना, तो ये हमने सीखा भिन्न का जोड़ करना, ठीक है। अब हम चलते हैं, कल हम पढ़ेंगे भिन्न का घटाव कैसे करना है, दशमलव कैसे करना है। अब हम चलते हैं तीन डिजिट के स्क्वायर की ट्रिक पे, तीन डिजिट का स्क्वायर ट्रिक, ठीक है। स्क्वायर ट्रिक पढ़ रहे हैं, सब ध्यान दें, स्क्वायर की ट्रिक पढ़ रहे हैं, किसका? तीन अंक का, तीन अंक का स्क्वायर मतलब थ्री डिजिट स्क्वायर पढ़ना है। क्या करना है? तीन डिजिट का स्क्वायर करना है। अब नंबर ले लिया मैंने 112 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर करना है। सब ध्यान दें कैसे करेंगे, देखिएगा, सब ध्यान दें कैसे करेंगे। 11 गुणा 2 गुणा 2, क्या करना है आपको? बस आगे के दो लेने हैं। क्या लेना है? आगे के दो लेने हैं, तो बस आगे के दो बना दिए, 11 इंटू 2 और गुणा 2, तो 11 दूनी 22 दूनी 44। फिर क्या करना है? 11 का 121 होता है, 2 का क्या हो जाएगा? 04, 2 का क्या होगा? 04, और 44 को यहां ऐसे ही जोड़ दो जैसे पहले जोड़ते थे, तो 4 4 5 12 544। चीज समझ में आ गई? हाँ, जादू हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, चीजें समझ में आ गई। एलसीएम लेकर नहीं करेंगे गाइज, एलसीएम में बहुत टाइम लगता है, एलसीएम में बहुत टाइम लगता है, यह कंसेप्ट समझाओ। हाँ आ गया भाई साहब, चलिए। जीके की क्लास में आज प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्लास हो रही है ना बढ़िया, तो आप तैयार रहें इन क्लासेस के लिए, रोज लाइक करते रहे, अभी तक लाइक नहीं पहुंचे हैं इतने सारे की मजा आने वाली बात है, कल हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे। हाँ तो बहुत बच्चे हैं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ अब हम लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स तीन डिजिट के, ठीक है। चलिए मैंने किया 107 का स्क्वायर, जल्दी से करिए, कैसे करोगे 107 का? 10 इंटू 7 इंटू 2, ये 10 लिया मैंने, 10 इंटू 7 इंटू 2, 70 दूनी 140, 100 और 49, 100 का 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 140 को कैसे रखोगे? 1 0 1 4 0 9 4 4 1 1, तो 1 4 4 4 9, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, बहुत सबके आंसर सही आ रहे हैं। 564 का करेंगे, करेंगे सब सब चीज का करेंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो। हाँ स्क्वायर दोबारा बताएंगे, आप पिछली क्लास देखो, ये तीसरी क्लास है, दूसरी क्लास देखो, पहली क्लास देखो, सारी क्लास देखोगे तभी समझ पाओगे, अगर सिलेक्शन लेना है तो ध्यान दो इन चीजों पे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको चीजें बता रहा हूं, आगे करते हैं, अब आगे लीजिए, आगे आगे मतलब कोई और भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, 138 ले लीजिए, 138 का स्क्वायर करते हैं, जल्दी से करिए इसका स्क्वायर। हाँ सबका उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबके उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल। दोबारा बताऊंगा, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीरो इसलिए लिया, जीरो लेना जरूरी होता है, जीरो इसलिए लेना जरूरी होता है, स्क्वायर हमेशा दो डिजिट में निकलेगा, ठीक है जी हाँ। देखिए क्या करना है, 13 लीजिए, 13 गुणा 8 गुणा 2, तो कितना हो गया, 13 अट्ठे कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 13 सत्ते कितना होता है 91, 13 अट्ठे 104 और 104 208, ठीक है ठीक है। तो देखे ठीक है, 208 हो गया, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 8 का स्क्वायर फिर 64 और 208 को जोड़ दीजिए ऐसे एक छोड़ के, 4 4 9 और 1 10 9, बिल्कुल 19044, सबका उत्तर आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, चीजें समझ में आ रही हैं सबको, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अब आप मेरे को बताइए 122 का स्क्वायर जल्दी से बताइए, फिर होमवर्क भी दूंगा, फिर हम क्लास को समाप्त करेंगे, कल मिलेंगे 5 बजे। फिर होमवर्क पे ध्यान देना, सारे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सब अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो मैं 122 का स्क्वायर और करिए फटाफट, फिर मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। जी हाँ, और भी जो बड़े डिजिट हैं कल और ट्रिक सीखेंगे तो उससे करेंगे, तो एक दिन में इतना ही सीखो, उससे क्या होगा कि दिन पर दिन एक साथ ट्रिक नहीं कर पाओगे, आज इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। जी हाँ, चलिए तो इसका करिए 12 इंटू दो बराबर 12 दूनी 24 दूनी 48, 12 का हो जाएगा 144, 2 का हो जाएगा 04, 48 को यहाँ पे रखिए, 4 8 8 14 884, बहुत बढ़िया, सबका अंक गुप्ता ज्योति सबका उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया, नहीं आता गॉट इट सबका आ गया। चलिए अब मैं चलता हूँ अपने होमवर्क पर, तो 3 डिजिट का आज होमवर्क दे रहा हूँ, उतने ही क्वेश्चन का होमवर्क दूंगा जितना मैं बता रहा हूँ आज, आगे कुछ भी करने की कोशिश मत करना, पहले ही बता रहा हूँ जो बड़ी डिजिट हैं 568 952 ठीक है 338 इनका मैं दूंगा कल बताऊंगा आपको, ठीक है इनका बताऊंगा कल ट्रिक बताऊंगा इनकी दूसरी स्क्वायर की, अभी इन पे ध्यान ना देना, ठीक है पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है इनकी भी एक ट्रिक है बहुत शानदार वाली, तो पहले इसका होमवर्क लिखें क्या है 185 का स्क्वायर, ठीक है ये आपका पहला, 109 का स्क्वायर दूसरा होमवर्क में करना है, ये होमवर्क के क्वेश्चन है सारे लिख लें ध्यान से, 117 का स्क्वायर ठीक है और क्या है 123 का स्क्वायर, तो ये सारे आपको होमवर्क में देने हैं, कमेंट में आंसर देने हैं सारे, कल मैं इनका सॉल्यूशन करवाऊंगा आपके सामने, ठीक है। तो सबको क्लास कैसी लगी ये बताएं मुझे, और आप होमवर्क लिख लें अपना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ठीक है। चलिए तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि क्लास अगर अच्छी लगी हो सब एक साथ यस लिख के भेजें, और मुझे बताएं कि हाँ सर आज समझ में आया है और मजा आया है, कल और ज्यादा आएगा, तो कल हम भिन्न के घटाव पढ़ेंगे, गुणा पढ़ेंगे, दशमलव पढ़ेंगे, ठीक है स्क्वायर की 3 अंक की बड़े बड़े अक्षर की डिजिट सीखेंगे, स्क्वायर सीखेंगे, तो तैयार हैं आप सब? जी हाँ, एयरफोर्स की क्लास शुरू करेंगे और हाँ जी सबकी क्लास शुरू करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सबको मजा आ गया, चलिए मुझे भी मजा आ गया, लेकिन लाइक करते करते जाना सब, है ना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक। हाँ जी चलिए सबको समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, तो गाइज कल मिलते हैं 5 बजे, जो भी स्टूडेंट आज बीच में जुड़ा है तो मैं उनसे यही विनती करूंगा कि 5 बजे आ जाओ भाई साहब, क्योंकि 5 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार, तो ध्यान दें इस चीज का कि 5 बजे आ जाओगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी शुरू से, बीच में आ जाते हो तो चीजें समझ में नहीं आती गाइज, है ना। चलिए तो मिलते हैं कल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।